गुजरात की सियासत में अब एक और नया ट्विस्ट आ गया है और इसी के साथ गुजरात चुनाव भी अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है, जिसके बाद लोगों की एक्साइटमेंट भी और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब वो दौर शुरू हो चुका है जिसमें गायब दिखने वाली कांग्रेस भी सक्रिय नजर आ रही है। इतना ही नहीं, आखिर गुजरात में क्या है खाम वोटों का समीकरण, जिसे भेदने में क्या इस बार कांग्रेस कामयाब हो पाएगी, वो भी आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि जब से गुजरात में चुनाव की सरगर्मियां तेज हुई हैं, तब से ही गुजरात के लोगों के मन में बस एक ही सवाल था कि आखिर इस चुनाव से कांग्रेस गायब क्यों है। पर अब इन सवालों पर कुछ हद तक विराम लग चुका है। गुजरात चुनाव में एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या गुजरात के रण में कांग्रेस अपनी पूरी ताकत से लड़ रही है। इस सवाल के खड़े होने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह भी है कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का गुजरात से किनारा। राहुल गांधी पर भी कई सवाल उठे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव में प्रचार को छोड़कर भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं। हालांकि हिमाचल में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए कई बड़े चेहरों को उतार दिया। हिमाचल में प्रियंका गांधी और राजीव शुक्ला नजर आए, पर गुजरात में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अब खबर यह सामने आ रही है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष यानी राहुल गांधी गुजरात आने वाले हैं। राहुल गांधी 22 नवंबर को गुजरात जाएंगे। गुजरात में कांग्रेस की इतनी देरी से एंट्री से क्या वाकई कांग्रेस को फायदा होगा या फिर इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, ये तो आने वाले 8 दिसंबर को पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरह बताया जाता है कि गुजरात की राजनीति आज भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन एक वक्त था जब गुजरात की राजनीति की धुरी माधव सिंह सोलंकी हुआ करते थे। और ये किस्सा 1980 का है। जनता पार्टी की सरकार के गिरने के बाद कुछ वक्त के लिए राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था और फिर चुनावों का ऐलान हो गया। राज्य में कांग्रेस को जिताने की जिम्मेदारी 107 दिन तक सीएम रह चुके माधव सिंह सोलंकी को दे दी गई थी। पत्रकारिता से राजनीति में प्रवेश करने वाले माधव सिंह सोलंकी खाम थ्योरी लेकर आए थे और तभी से ये खाम थ्योरी आज तक चर्चाओं में बनी हुई है। इसमें उन्होंने क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासियों के साथ मुसलमान मतदाताओं को भी लुभाने का दांव खेल दिया। जब चुनावी नतीजे सामने आए तो कांग्रेस को 182 में 141 सीटें मिली। जातीय गोलबंदी में सफल हुए माधव सिंह सोलंकी 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे और 1985 के चुनाव से पहले सोलंकी एक और बड़ा दांव खेल चुके और राणे कमीशन की सिफारिशों को लागू करके राज्य में पिछड़ी जातियों के आरक्षण को बढ़ाकर 10 से 28 तक कर दिया। इसमें शामिल जातियों की संख्या बढ़ाकर 82 की बजाय 104 कर दी गई। इसका विरोध हुआ, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या और खाम थ्योरी के सहारे माधव सिंह सोलंकी ने इतिहास रचने के साथ साथ 182 में से 149 सीटें जीत ली। 11 मार्च 1985 को वो फिर से गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि इसके बाद गुजरात में आरक्षण विरोधी आंदोलन हो गया, हिंसा हुई तो सोलंकी को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन जातीय राजनीति में माहिर सोलंकी का ये कीर्तिमान गुजरात की राजनीति में अब तक बरकरार है, कोई भी इसे भेद नहीं पाया है। माधव सिंह सोलंकी ऐसे राजनेता रहे हैं जिन्होंने गुजरात का 4 बार सीएम बनने का गौरव हासिल किया। 10 दिसंबर 1989 को सोलंकी ने सीएम पद की शपथ ली और 83 दिन बाद 4 मार्च 1990 तक इस पद पर बने रहे। वहीं सोलंकी के खाम की काट के लिए पूर्व मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल अपनी थ्योरी लेकर आए। उन्होंने को काम नाम एक सामाजिक संगठन बना दिया। उस वक्त चिमन भाई पटेल जनता दल से नेता हुआ करते थे। उनका भी वही हाल था जो इस वक्त गुजरात में कांग्रेस का है। कांग्रेस 27 सालों से सत्ता से दूर है तो चिमन भाई पटेल 16 साल से सत्ता में वापसी करना चाह रहे थे। इस संगठन का सौराष्ट्र में बहुत ज्यादा प्रभाव था जो कांग्रेस के खाम सिद्धांत को देखते हुए बनाया गया था। कोकम का अर्थ को से कोली, का से कबड़ी और मा से मुस्लिम था। यह सिद्धांत कोली, कन्वी और मुस्लिमों की वोट पाने के लिए बनाया गया था, जो काफी ज्यादा कारगर भी हुआ। कोकम में सबसे ज्यादा महत्व कोली जाति को ही दिया गया था, जिसके चलते जनता दल ने सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में कांग्रेस की खाम नीति को कमजोर करते हुए काफी कोली अपनी तरफ कर लिए और कुछ पाटीदार भी जनता दल और बीजेपी की तरफ चले गए।
1990 का वो दौर भी आया जब चुनाव के नतीजे आए तो जनता दल सबसे बड़ा दल बन गया, बीजेपी दूसरे नंबर पर और सत्तारूढ़ कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 37 सीटें मिल पाई। राज्य में बीजेपी के साथ मिलकर जनता दल की सरकार बन गई। चिमन भाई सीएम और केशु भाई डिप्टी सीएम बन गए। 16 साल बाद चिमन भाई सीएम थे तो वहीं कांग्रेस सबसे कमजोर हालत में। अब जब राज्य में 15वीं विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं तो हिंदुत्व और मोदीत्व पर सवार बीजेपी माधव सिंह लंकी का रिकॉर्ड तोड़ना चाहती है। वहीं बीजेपी के रणनीतिकार ये मान रहे हैं कि आप यानी आम आदमी पार्टी के आने से खाम को पार किया जा सकता है। इसकी बड़ी वजह ये भी बताई जा रही है कि सत्ता विरोधी वोट विभाजित होंगे तो इसकी सबसे बड़ी गेनर जो है वो बीजेपी बनेगी, उसको ही सबसे ज्यादा वोट गेन होंगे। इसलिए बीजेपी ने अब मिशन 150 टारगेट कर लिया है। तो वहीं प्रदेश में पहली बार तैयारी के साथ पैर रख रही आप भी सामाजिक समीकरण साधने में जुटी हुई है। इसका एपिसेंटर जो है वो सौराष्ट्र ही है। पार्टी कपूर जोर कोशिश कर रही है कोई कास्ट कॉम्बिनेशन बन जाए और बीजेपी के तिलस्म को तोड़ दिया जाए। बीजेपी के निशाने पर खाम है तो कांग्रेस और आप चिमन भाई के फॉर्मूले पर चल रहे हैं जिसमें मुस्लिम वोटों का बड़ा शेयर है। चर्चा तो यह भी है कि कांग्रेस इन चुनावों में BDAM थ्योरी लाने पर विचार कर रही है जिसमें OBC दलित आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के लोग शामिल होंगे। इतने दशकों बाद भी जब भी चुनाव होते हैं तो खाम थ्योरी की चर्चा ना हो ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि खाम थ्योरी ऐसी है जिसका रिकॉर्ड आज तक कोई भेद नहीं पाया। ये पहली सोशल थ्योरी थी जिसने जातीय लामबंदी की शुरुआत की। खाम थ्योरी की सफलता के बाद देश के पूरे राज्य में भी इसके प्रयोग होने लग गए। वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो माधव सिंह सोलंकी के खाम प्रयोग के बाद कांग्रेस को गुजरात में 1980 में 51.04% वोट मिले और सीटें 75 से सीधा 141 हो गई थी। तो वहीं 1985 में 55.55% वोट मिला और सीटों की संख्या सीधा सीधा 149 पहुंच गई। खाम की काट के तौर पर कोकम थ्योरी भी कारगर रही। 1990 के चुनाव में चिमन लाल पटेल की अगुवाई वाले जनता दल को 29.36% वोट मिले और 70 सीटें मिल गई। डबल इंजन की सरकार चला रही बीजेपी की नजर खाम थ्योरी से बने रिकॉर्ड पर है। त्रिकोणीय लड़ाई में क्या बीजेपी को लाभ मिलेगा यह तो नतीजों में स्पष्ट हो जाएगा। दिलचस्प तथ्य है कि खाम थ्योरी के माधव सिंह सोलंकी के बेटे भरत सोलंकी और कोकम थ्योरी के जनक चिमन भाई के बेटे सिद्धार्थ पटेल दोनों ही कांग्रेस में है। दोनों नेता गुजरात कांग्रेस के प्रमुख भी बन रह चुके हैं। अब ऐसे में देखना यह होगा कि बीजेपी जिस रणनीति पर काम कर रही है और कांग्रेस जो अपनी पुरानी वाली रणनीति पर दोबारा से वापस आ गई है तो क्या इस बार कांग्रेस गुजरात में बाजी मार ले जाएगी और यहां पर भी बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा, ये आने वाले 8 दिसंबर को पता चल जाएगा। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और इस थ्योरी पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।